नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओबी न्यूज़। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ब्रेकिंग न्यूज़, हेडलाइंस न्यूज़ के तहत सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। जियो ग्राहकों को 4K HD TV और 4K सेटअप बॉक्स मुफ्त देगी रिलायंस जियो। जियो ग्राहक जियो गीगा फाइबर और जियो सेटअप बॉक्स का जियो फॉरएवर प्लान लेंगे, उन्हें कंपनी की ओर से 4K HD TV और 4K सेटअप बॉक्स मुफ्त में दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें आपको 1 GBPS की डाउनलोडिंग स्पीड और 100 MBPS की अपलोडिंग स्पीड मिलेगी, और जो आपको 5 सितंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चांद के पास 20 अगस्त को पहुंचेगा चंद्रयान 2, उतरेगा 7 सितंबर को, ऐसा कहना है इसरो का। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने बताया है कि 14 अगस्त को चंद्रयान धरती की कक्षा छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा। इसके बाद यह 20 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंचकर उसके दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी करेगा। भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, खुश हूँ, इसलिए जब जी चाहता है नाच लेता हूँ, ऐसा कहना है विराट कोहली जी का। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि मैं मैदान पर भरपूर आनंद ले रहा हूँ, सिर्फ कप्तान होने के कारण मैं किसी प्रकार के दबाव में नहीं रहता। कोहली ने अपने वनडे करियर का 42वां शतक पूरा किया है, इसके लिए जीओबी न्यूज़ टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है कि टॉप 3 में से कोई ना कोई व्यक्ति ही एक बड़ा स्कोर करे। हरियाणा चुनाव से पहले पिता महावीर फोगाट के साथ बेटी बबीता फोगाट बीजेपी में हो गई हैं शामिल। महावीर फोगाट ने कहा है कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की, यह कहते हुए उन्होंने तारीफ की है कि उसने निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरियां दी है। कितना भी गिड़गिड़ा ले पाकिस्तान, कश्मीर पर चीन की चुप्पी के पीछे वजह है ये 3 कमजोरियां। दुनिया भर में मुस्लिम अधिकारों का रक्षक बनने का दावा करने वाला पाकिस्तान उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न पर शांत है। अगर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर के नागरिकों को प्रताड़ित करने का झूठा आरोप भारत पर लगाता है और चीन इसका समर्थन करता है, तो भारत दुनिया को उइगर मुसलमानों की हकीकत बताकर विश्व पटल पर चीन की पोल खोल सकता है। शाओमी के साथ साझेदारी में सैमसंग ने उतारा दुनिया का पहला 108 MP स्मार्टफोन कैमरा सेंसर। साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी दिग्गज सैमसंग ने चीनी हैंडसेट मेकर शाओमी के साथ साझेदारी में सोमवार को 108 MP मोबाइल इमेज सेंसर सैमसंग आइसोसेल ब्राइट HMX को लॉन्च किया है। ये दुनिया का पहला इमेज सेंसर है जिसमें 100 मिलियन पिक्सल से ज़्यादा का रेजोल्यूशन दिया गया है। कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इस लेटेस्ट एडिशन के साथ ही सैमसंग ने अपने इमेज सेंसर पोर्टफोलियो को विस्तार देते हुए हाल ही में लॉन्च किए गए अल्ट्रा हाई 64 MP से बढ़ाकर 108 MP किया है। ये रेजोल्यूशन किसी हाई एंड DSLR कैमरे के बराबर है। कंपनी की ओर से ये भी कहा गया है कि इस सेंसर को शाओमी के साथ मिलकर तैयार किया गया है, और शाओमी आइसोसेल ब्राइट HMX पहला मोबाइल सेंसर है जिसमें 100 मिलियन पिक्सल से ज़्यादा पैक है और इससे बेहतर कलर रिप्रोडक्ट आउटपुट मिलेगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने फैलाया प्रोपेगेंडा, CRPF ने तुरंत दिया जवाब। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ट्वीट कर लिखा कि कश्मीर में तनाव भारतीय सुरक्षा बलों के बीच दरार पैदा हो गई है। इसके बाद CRPF ने उसे झूठ करार देते हुए हमारी वर्दी का रंग अलग हो सकता है लेकिन दिल एक ही है, ऐसा कहकर जवाब दिया है। सहवाग बोले, मुझे सेलेक्टर बनना है। ट्विटर पर फैंस ने जमकर उड़ाया उनका मजाक। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सहवाग अपने मज़ेदार ट्वीट्स के लिए मशहूर हैं। सहवाग ने ट्वीट कर सेलेक्टर बनने की इच्छा जताई। सहवाग का इशारा टीम इंडिया का सेलेक्टर बनने की ओर था। वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, मैं सेलेक्टर बनना चाहता हूँ, कौन मुझे मौका देगा। जैसे ही वीरू ने यह ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर उनके तमाम फैंस हैरान रह गए, आखिर सहवाग ये क्या कह रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग के इस ट्वीट के बाद लोगों ने ट्वीट कर
उनको जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक फैन ने लिखा, सेलेक्टर बनने के लिए विराट कोहली से संपर्क करें। एक फैन ने लिखा, हमारे होम टाउन की टीम है, वहाँ पोस्ट खाली है सेलेक्टर की, सैलरी भी महीने की 5,000 मिल जाएगी और अगर साथ ही कोचिंग भी दे दोगे तो आपको 10,000 रुपए सैलरी देंगे।